गत सात दिन भितर आम बीत सारीचे 168 घंटार समय यही 168 घंटा भितर देश दुनिया में घटी जाने खबर एमती सब खबर जहाँ लोकों मन में किसी खुशी आनी तो किसी दुख भी आनी आनेक खबर लोकों पर विभिन्न विषय सचेतनतार सृष्टि कारण पलटि कारण खबरटी गुड न्यूज हो बैड न्यूज प्रत्येक न्यूज भितर थाए मनीष को एक नुआ रास्ता देखार नुआ सूचना देवार उद्यम आज पुणी समय आसी आपणक आसी सप्ताह किसी नुआ खबर नहीं नमस्कार मु निहारिका आसत देखा कौन रही आमर आज विशेष उपस्थापना सारा दुनिया रे विज्ञान कारीगरी विद्या एवं आणविक गवेषणा क्षेत्र में आगुआ देश अमेरिका रे केते महजूद रही आणविक अस्त्रशस्त्र विश्व रे अन्य देशर आणविक अस्त्रशस्त्र परीक्षा नहीं सबुबले आपत्ति जनाउथिबा अमेरिका निज अस्त्र भंडार रे केते संख्या रे आणविक हथियार साइत रखी ताकू नहीं सबुबले सृष्टि होइथाय उत्कंठा विश्ववासी ए उत्कंठा एबे शेष होइछि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट तरफ रु एबे निजर आणविक क्षमता एवं केतेक संख्या रे आणविक अस्त्रशस्त्र भंडार रही से बाबदरे समस्त तथ्य विश्ववासी सम्मुखें रखी अमेरिका शक्तिशाली अमेरिकार अस्त्रभंडार केते रही आणविक अस्त्रशस्त्र पूर्वर जिते संख्यार आणविक अस्त्र थिला ता ह्रास पाई ना वृद्धि घटी आणविक अस्त्र नियंत्रण दिगरे कौन पदक्षेप नौ अमेरिका यहाँ नहीं विश्ववासी मनरे रही आसी उत्कंठा एवं से उत्कंठा दूर करिछि बाइडेन प्रशासन प्रकाश करिछि निजर आणविक अस्त्रशस्त्र संख्या विज्ञान कारीगरी विद्या एवं आणविक गवेषणा क्षेत्र में आगुआ देश अमेरिका रे केते महजूद रही आणविक अस्त्रशस्त्र विश्व रे अन्य देशर आणविक अस्त्रशस्त्र परीक्षा नहीं सबुबले आपत्ति जनाउथिबा अमेरिका निज अस्त्र भंडार केते संख्यार आणविक हत्या साइत रखी ताकू नहीं सबुबले सृष्टि होता उत्कंठा विश्ववासी उत्कंठा एवं शेष हो एबे निजर आणविक क्षमता एवं केते संख्या रे आणविक अस्त्रशस्त्र भंडार रही से बाबद रे समस्त तथ्य विश्ववासी सम्मुख रखी अमेरिका 4 वर्ष तले अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह तथ्य प्रकाश नकरिबाकु नियम करथिले फलरे अमेरिकार आणविक नीति को नहीं सृष्टि होई आसुथिला प्रश्नवाची मात्र एबे सेई तथ्य को प्रकाश करछंती वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट तरफ मिलता तथ्य अनुसार 2020 मसीहा सेप्टेम्बर 30 तारीख सुधा अमेरिकार अस्त्र भंडार रही मोट 3750 विभिन्न सक्रिय एवं निष्क्रिय आणविक अस्त्रशस्त्र 2019 मसीहार अस्त्र संख्या ठार 55 कम एवं 2017 मसीहा तुलन में यह 72 कम बोली जमापड़ी अर्थात वर्षक वर्ष निजर आणविक अस्त्र संख्या कम बा अकामी कर चलती अमेरिका 2020 सेप्टेम्बर ठारु अमेरिका निज अस्त्र भंडार आद आ नुआ आणविक अस्त्र सामिल करनी बोली तथ्य दर्शा जाए तेब अमेरिका दे तथ्यु आउ एक कथा जमापड़ी 1967 मसीह जितेबाला अन्यतम शक्तिशाली राष्ट्र रुषिया सोवियत रुष सहित शीतल युद्ध चलता सेतेबाला अमेरिका पाख रही 31,255 आणविक अस्त्रशस्त्र मात्र एवं 10 गुणा ह्रास पाई कह आणविक अस्त्र प्रस्तुति में विश्वर अन्यतम आगुआ देश रुषिया सहित अमेरिका एक प्रकार अस्त्र नियंत्रण पुणि थे कथबार्ता आरंभ करने को यही कारण बाइडेन प्रशासन एक प्रकार पदक्षेप नहीं आणविक अस्त्रशस्त्र नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण दिगरे दुई देश मध्य एपरी स्वच्छता रखार आवश्यकता रही प्रकाश कर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका एवं रुषिया पाखे जिते संख्यक आणविक अस्त्र महजूद रही तुलन में चीन में कम रही जमापड़ी ट्रंप राष्ट्रपति थिबा समय रे अमेरिका रुषिया एवं चीन को नहीं एक निरस्त्रीकरण चुक्ति करने को चाहते जहाँ संभव हो नाला मात्र बाइडेन अमेरिकार राष्ट्रपति होगापर चीन को बाद दे रुषिया सहित द्विपाक्षिक चुक्ति एवं आलोचना करने को जाती समस्त तथ्य प्रकाश करार व्यवस्था कर निकट भविष्य में रुषिया निजर आणविक अस्त्र भंडार बाबदे तथ्य जनवाक जा द्विपक्ष निज पाखे मात्र 1550 आणविक अस्त्रशस्त्र रखिपारे भी बोली गत सप्ताह सहमति प्रकाश करते जो दिगरे पदक्षेप ने आरंभ हो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बलपूर्वक बंधुक मुनरे अफगानिस्तान दखल करने एवं पाकिस्तान और चीन भली केतेक राष्ट्र को छाड़देले विश्व समुदाय तालिबान सरकार गठन को स्वीकृति देउनी
अन्य पक्षरे तालिबान पाई सबुठ बड़ कंटा साजिछि सेठारे सक्रिय अन्यतम कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खोरासान तालिबान को जबत करिबा पाई घटाई चलिछि गोटिक परे गोटिए आत्मघाती विस्फोरण। गत शुक्रवार दिन एमिति एक घटना एवं बढ़ाई तालिबान रो अड़ुआ मात्र तीन चार दिन व्यवधान पर पुणी भयंकर विस्फोरण से थरी उठी आफगानिस्तान। एक मस्जिद रे आईएसआईएस आतंकवादी मैंने आत्मघाती विस्फोरण घटाई केतेक तालिबान सैन्य को मारी जार प्रतिशोध नहीं तालिबान एवं पुणी यार पलटा प्रतिशोध नहीं आईएसआईएस खोरासान। मात्र अल्प दिन व्यवधान पर पुणि थरला आफगानिस्तान आतंकवादी आक्रमण में रक्त रंजित है मस्जिद परिसर शहे श्रद्धालु मृत्युवरण कर आशंका विस्फोरण पछरे आईएस खोरासान गोष्ठी हाथ अनुमान पूर्वर काबुल एयरपोर्ट रे समान धरणर विस्फोरण घटाई आईएस मात्र तीन चार दिन व्यवधान पर पुणि भयंकर विस्फोरण से थरी उठला आफगानिस्तान। निकटने एक मस्जिद रे आईएस आईएस आतंकवादी माने आत्मघाती विस्फोरण घटाई केतेक तालिबान सैन्य को मारी जार प्रतिशोध नहीं तालिबान आईएस आईएस रो एक अड्डा को ध्वंस कर उड़ाई मात्र अल्प किछि दिन व्यवधान पर पुणि शुक्रवार दिन होइछि समान धरणर विस्फोरण एथर मध्य एक मस्जिद को बाछिछन्ति विस्फोरणकारी। उत्तर आफगानिस्तान रे एक मस्जिद को टार्गेट करा जाइछि जेउटे सिहा मुस्लिम संप्रदाय लोक माने नमाज पढ़िबा को आसीथिले एही विस्फोरण रे सहे लोकंकर मृत्यु होइतिबा सह आहुरी अनेक आहत होइथाय पारन्ति बोली प्रकाश करिछि तालिबान पुलिस। उत्तर आफगानिस्तान रो कुंदुज प्रदेश रे जो भयंकर विस्फोरण घटी सेही एजाए निजक दायी करनथिबा जणापड़िछि तेथि मध्य सही आईएसआईएस आतंकवादी संगठन रो हाथ रहिछि बोली अनुमान करा जाइछि कारण अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान रे बास करुथिबा संख्यालघु सह मुस्लिम संप्रदाय को सबुबले टार्गेट करिथाय एही संगठन एहा मध्य एक आत्मघाती विस्फोरण होइथाय पारे बोली अनुमान करिछि तालिबान पुलिस। आईएस आतंकवादी श्रद्धालु मानंक सह मस्जिद भितर को आसी विस्फोरण घटाई थाई पारे बोली आशंका करा जाउछि। तालिबान पुलिस विभाग तरफ रु एही घटना बाबत रे तदंत करा जाउछि एवं सिहा संप्रदाय रो लोक मानंक भयभीत न हेबा पई सांत्वना दिया जाइछि। तालिबान सहित शत्रुता रहिछि आईएस आईएस खोरासान गोष्ठी रो पूर्वरु अगस्त मासरे काबुल विमान बंदर निकट रे बड़ धरणर विस्फोरण घटाइथिला एही गोष्ठी जेउथिरे 150 रु ऊर्ध अफगान नागरिकक सह 13 जण अमेरिकीय नागरिक निहत होइथिले। परे अफगानिस्तान रो जलालबाद रे मध्य एक विस्फोरण घटाइथिला आईएस खोरासान निकटरे एक मस्जिद रे तालिबान को टार्गेट करी भयंकर आत्मघाती विस्फोरण करा जाइथिला जहार प्रतिशोध नेइथिला तालिबान तालिबान उपरे प्रतिशोध नेबा पई आईएसए गोष्ठी पुणी पलटा आक्रमण करि पारे बोली सेतबेले आशंका प्रकाश पाइथिला जहा एबे सत होइछि। विस्फोरण रे एबे रक्त रंजित होइ पड़िछि सिहा हाजरा संप्रदाय रे मस्जिद आगो को तालिबान बनाम आईएसए गोष्ठी मध्य रे आहुरी अधिक रक्ताक्त मुकाबला हेबो बोली मध्य आशंका प्रकाश पाइछि कारण तालिबान भली शक्तिशाली रहिछि आईएसए जहा इरान एवं सीरिया भली देश रे मध्य बेस सक्रिय रहिछि। आईएस आतंकवादी मध्यरु अनेक पाकिस्तान में मध्य लुचि रही कहुचि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कुहा जाए साहित्य हेउचि समाजर दर्पण समाजर वास्तव कथा जदि साहित्य रे प्रकाश न पाए ताले सेही साहित्य लोकप्रियता हराए बा लोकंक मध्य रे आदृत होई पारेनि आउ जहाँ लोकंक कथा बा समाजर कथा कुहे ता हुए कालजयी साहित्य सेमिति कालजयी साहित्य को मिले स्वीकृति आउ सम्मान जेमिति सम्मान मिलिछि कृष्णकाय लेखक अब्दुल रजाक को 2021 मसिया पई से पाइछंती साहित्य रे नोबेल पुरस्कार शरणार्थी समस्या को दुनिया सामना को आनी से बे पलटिछंती जने चर्चित चेहरा से निजे जने शरणार्थी थिबारु खूब जीवंत होइछि तांकर साहित्यर सृष्टि। चर्चा रे साहित्य पई नोबेल पाइथिबा अब्दुल रजाक साहित्य रे नोबेल पाइबारे प्रथम कृष्णकाय आफ्रिकीय शरणार्थी अनुभूति को रूप देइछंती निज लेखारे
शरणार्थी समस्या को नहीं सृष्टि करिछंति संवेदनशीलता। एही सप्ताह रे विश्वर सबुठारु बड़ सम्मान नोबेल पुरस्कार रो घोषणा होईछि। विभिन्न क्षेत्र रे जेपरि कि रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मेडिसिन, साहित्य, शांति आदि क्षेत्र पई नोबेल विजेता मानक नाम घोषणा करा जायछि। तेबे एही सम्मानीय व्यक्ति मानक मध्ये रे साहित्य क्षेत्र रे नोबेल पुरस्कार पई नोमिनेट होईछंति तांजानिया रो अब्दुल रजाक गुरनाह। अब्दुल रजाक गुरनाह होचंती प्रथम कृष्णकाय आफ्रिकीय जहांकु 2021 मसीहा पई नोबेल पुरस्कार मिलिछि। गुरनाहंक लेखारे शरणार्थी मानंकर समस्या, उपनिवेशकारीक ताड़ना और जने शरणार्थी मनर दुख जंत्रणा फुटि उठिथाय। एहार मुख्य कारण हैला गुरनाह निजे जने शरणार्थी और तांको निज अनुभूति तांको एही समस्या को ठीक भावरे बुझिबारे साहाज्य करिछि। डिसेम्बर 20, 1948 रे कांजीवर द्वीपरे जन्मित अब्दुल रजाक 60 दशकरे शरणार्थी भावरे इंग्लैंड पळाय आसीथिले। से केंट विश्वविद्यालयरे इंग्लिश फिक्शन और लांगुएज रो प्रोफेसर मध्य थिले। गुरुनाहंक एपर्यंत 10टी उपन्यास और 3टी गल्प संकलन प्रकाश पाइछि। तांको उपन्यास मध्यरु सबुठारु लोकप्रिय हेउछि पाराडाइज। एहा छोडा तांकर 2021 रे प्रकाशित होइथिबा बाय द सी नोवेल एवं एहा पूर्वरु पब्लिश होइथिबा उपन्यास मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलग्रिम्स वे, एडमायरिंग साइंस, द लास्ट गिफ्ट आदि अन्यतम। तेबे 2021 मसिया पई गुरुनाहंकु साहित्य रे जे नोबेल पुरस्कार दिया जाइछि ताहा कोनोसी निर्दिष्ट पुस्तक पई नुहे, बरंग शरणार्थी समस्या उपरे आधारित तांकर सामग्रिक कृति निमन्ते। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। एबे समय होईछि एक छोटो ब्रेक रो, ब्रेक परे पुणी फेरिबा खबर को। सोशल मीडिया किपरि मानिस जीवन को नियंत्रण करुछि तार एक प्रमाण देखा मिलता एक किसी दिन तले। हठात से दिन राति किसी घंटा पर बंद पड़गला फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। विश्व सारा सोशल मीडिया यूजर्स हो गले व्यतिव्यस्त। से ही किसी घंटार अचल अवस्था पूरा विश्वर समस्त सोशल मीडिया यूजर्स एक अलग एक्सपीरियंस थिला। तबे सोशल मीडिया यूजर्स यह एक एक्सपीरियंस होइथाइपारे, किंतु एथिपई सोशल मीडिया जायंट फेसबुक हजार हजार कोटी टंकार क्षति सही। डाउन हेला फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हो गला अचल। विश्व इंटरनेट जोगाजोग सेक्टर रे चहल, मेसेज देवा नेबा हेला बंद। हजार हजार कोटी टंकार क्षति सहिले फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग। सोमवार राति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अचल हेबा नै विश्वर इंटरनेट जोगाजोग सेक्टर रे चहल पड़ जाइथिला। किछि घंटा एहि सोशल मीडिया आप अचल हेबा कारणरु लोक माने मेसेज देइ नै पारि नथिले। किछि लोक याकु इंटरनेट समस्या बा निज डिवाइस रे किछि टेक्निकल प्रॉब्लम बोली भाबिथिले। सूचना अनुसार सोमवार भारतीय समय राति 9-10 मध्य पूरा विश्व में फेसबुक डाउन रही। छड़ा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप घंटा घंटा धरी चली नथिला। 5-6 घंटा धरी मेसेजिंग रही आप गुड़िक अचल हो पड़ा। ना मेसेज जाऊला, ना फेसबुक रे कोनोसी नुआ पोस्ट देखा मिलूला। पर यह तीनोटी साइट डाउन थिबार जानिबा को मिलिथिला। तबे एपर हेबा फळरे फेसबुक रो सीईओ मार्क जुकरबर्ग को बड़ क्षति सहिबा को पड़ी छी। मात्र किछि घंटा ए सोशल मीडिया आप अचल हेबा फळरे जुकरबर्ग व्यक्तिगत भावरे अनेक क्षति सहिचंती। एपर कि तांकर संपत्ति मात्र केई घंटा रे हजार हजार कोटी टंका तळ को खसी छी। आउ एपर क्षति तांको विश्वर धनी तालिकारु मध्य कोटि स्थान को तळ को ठेली दैछि बोली सूचना मिलि छी। एका संगरे तीनोटी सोशल साइट डाउन हबा फळरे शेयर बजारे फेसबुक शेयर रो मूल्य मध्य ह्रास पाइथिला। बेस किछि घंटा ए तीनोटी सोशल मीडिया साइट डाउन हबा परे भारतीय समय भोर प्राय 4टा बेळकु तीनोटी आप काम करबा आरंभ करथिला। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।
लाइट क्यमेरा आंड साउंड एटा फिल्म सुटिंग समय शुणा मिली थाए तेबे एबे एही शब्द निकटरे शुणा मिली स्पेस रे। कारण निकटरे महाकाश बा स्पेस रे होईची फिल्म सुटिंग सुटिंग पाई अक्टोबर 5 तारीख रे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे पहुंचीची रुषिया रा सोयुज MS-19। तेबे अनेक दिनरु हॉलीवुड द्वारा स्पेस रे फिल्म शूट पे प्रस्तुति चालीतिला किंतु एथिरे बाजी मारी नैची रशिया। आउ केवल पृथ्वी पृष्ठ रे नुहे एणिकी महाकाश रे आरंभ हैला फिल्म सुटिंग रा ट्रेंड। अमेरिका प्रस्तुत हेबा बेळकु बाजी मारी नेला रुषिया। आरंभ हैला फिल्म सुटिंग रा स्पेस वार। रुषिया को पछरे पकेई प्रथमे चंद्र पृष्ठ रे पाद देथिला अमेरिका। एबे रुषिया नेला तार प्रतिशोध। एपर्यंत पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा विभिन्न लोकेशन रे सुटिंग होई आसुची विभिन्न भाषार सिनेमा। सिनेमा तयारी रे सबुठु आगरे रहिछि अमेरिकार हॉलीवुड। विभिन्न विषय रे एपरकि स्पेस बा महाकाश संपर्कित विषय वस्तु को नै मध्य अनेक देश रे अनेक सिनेमा सुटिंग होई लोकप्रियता हासिल करछि। मात्र से सब कंप्यूटर स्पेशल इफेक्ट्स रो कमाल जेंटिक कृत्रिम भाव रे महाकाश रो परिवेश सृष्टि करा जाय। एबे किंतु प्रकृत रे महाकाश रे आरंभ होईछि फिल्म सुटिंग। सुटिंग पई अक्टोबर 5 तारिख रे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बा ISS रे पहुंचीछि रुसिया रो सोयुज MS-19। रुषिया जनाशुना अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड निर्देशक क्लिम सिपेन को सह अन्य केते जण क्रू सेटारे पहुंची आरंभ कर देछंती सुटिंग जार ना रहिछि द चैलेंज। 3000 नायिकांक मध्यरु अभिनेत्री उलियांग को बछा जाइछि जे जणे डाक्तरानी भूमिका रे अभिनय करछंती एवं कहानी अनुसार महाकाश रे अस्वस्थ थिबा जणे महाकाशचारीक चिकित्सा करबाकु जाइछंती। अक्टोबर 17 तारीख जाय चालिबो ई फिल्म रो सुटिंग। एथिपई कजाकिस्तान रो बैकनूर महाकाश उत्क्षेपण केन्द्ररु सिनेमार समस्त क्रू यात्रा करी सफलतार सह महाकाश केन्द्र रे पहुंचीथिले एवं सेठारे सेमानकु पूर्वरु थिबा महाकाशचारी स्वागत करथिबा ट्वीट करी कहिछि रुसियार स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस। खास एथिपई अभिनेत्री यूलिया एवं अन्य माने यूरी गागारिन महाकाश तालीम केन्द्र रे स्वतंत्र तालीम मध्य नैथिले। तबे महाकाश रे प्रथमे किए सिनेमा शूटिंग करिवो ताकु नै अनेक दिन हेबो चालीथिला प्रतियोगिता। प्रतियोगिता थिला वैश्विक विद्या रे दुई शक्तिशाली देश अमेरिका ओ रुसिया मध्य रे। 2020 रे अमेरिका महाकाश गवेषणा संस्था नासा तरफरु एक घोषणा मध्य करा जायतिला। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज का सह मिसी प्रथमे महाकाश रे बा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सिनेमार शूटिंग करबा को योजना रखितिला नासा। एतरे घरोई कंपनी एलन मस्क का स्पेस एक्स रो मध्य सहयोग निया जायथांता। डग लिमान होइथांते निर्देशक। मात्र नासा ओ हॉलीवुड निज योजना को कार्यकारी करबा पूर्वरु एबे बाजी मारि नैछि रुसियार सिनेमा इंडस्ट्री। सूचना अनुसार पूर्वरु अमेरिका एवं रुषिया मध्यरे किया आग महाकाश को यात्रा करिवो ताकु नै लागिथिला प्रतियोगिता। अमेरिका को पछरे पकाई रुषिया प्रथमे महाकाश को मणिष पठाइथिला। तापर रुषिया को पछरे पकाई प्रथमे चंद्र पृष्ठ को मणिष पठाइथिला अमेरिका। एबे महाकाश रे सिनेमा शूटिंग पई दुई देश मध्यरे जेपरि प्रतियोगिता आरंभ होईछि ता द्वारा आग को दर्शक माने सिनेमा देखार नुवा अनुभूति पाइबा सहित सिनेमा निर्माण रे मध्य भविष्यत रे एक बड धरणर परिवर्तन आसिबो बोली अनुमान करा जायछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। वर्तमान साइंस और टेक्नोलॉजी रे दुनिया रे एमिति किछि नाही जहां के असंभव। इमेजिनेशन कुहंतु बा ड्रीम सबु किछि को रियलिटी रे परिवर्तन करि पारिछि वर्तमान जुगर टेक्नोलॉजी। ठीक जेमिति माटी उपरे चालुथिबा बाइक को आकाश रे उड़ीबार स्वप्न आउ स्वप्न होइ रहि नाही। बहुत शीघ्र एहा सत हेबाकु जाउछि आउ ए सबु स्वप्न को पूर्ण करिवो अमेरिकार जेटा पैक एविएशन द्वारा निर्मित द स्पीडर। एहा एपर एक बाइक जहाँ को बहुत सहज रे केही भी ड्राइव करी आकाश रे उड़ीबार मजा उठाई पारिबे। आकाशरे उड़ीबो बाइक उड़ंता बाइक रे बुली पारिबे आकाशरे निजे करी पारिबे ड्राइव 250 माइल प्रति घंटा गति रे उड़ीबो बाइक जेट पैक एविएशन द्वारा प्रस्तुत। एबे स्वप्न पलटिबो वास्तवता। उड़ंता गाड़ी ओ बाइक आ कल्पना होई रही जीव नाही। बहुत शीघ्र माटी रे गड़ुथिबा बाइक आकाश रे उड़ीबा को जाउची। खूब शीघ्र एहा सत हेबा को जाउची। आपण यहाँ उपरे बसी बुली पारिबे ओ एही गाड़ी को चलाई मध्य पारिबे। आपणकर एही स्वप्न को जेटा पैक एविएशन साकार करिवाकु जाउची। एही कंपनी एबे उड़ंता बाइक तयारी करिबा उपरे प्रस्तुति चलाइची। एति पई मोटरसाइकल प्रोटोटाइप रा सफल परीक्षण फ्लाइटर घोषणा मध्य करि दिया जाइची।
उक्त बाइक आसंता 2 वर्ष मध्यरे प्रस्तुत हो पारे। तबे कंपनी तरफ रु एई बाइक को द स्पीडर नामरे नामित करा दैछि। एथिपाय एक खास फ्लाइट कंट्रोलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रस्तुत होइछि जेटा पैक एविएशन मुताबिक एथिपाय 1.5 वर्षर एक एपरी सिस्टम प्रस्तुत करा जायछि जहां वायु रे मध्य बाइक को बैलेंस रखिबो। बाइक को उड़ीबा पई प्रोग्रामिंग करा जाई पारिबो। एई स्वतंत्र प्रकार बाइक सीधा टेक ऑफ और लैंडिंग मध्य करि पारिबो। सीईओ डेविड मेमन का मुताबिक यहां रा एक अल्ट्रालाइट वर्जन 2 किछि वर्ष मध्य रे प्रस्तुत होई पारे। यहां एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन हेबो। अल्ट्रालाइट वर्जन रा गति 60 माइल प्रति घंटा हेबो एवं यहां रा फ्लाइट टाइमिंग 15 मिनट हेबो। एथिरे कौनसी स्पेशल पायलट लाइसेंस रा आवश्यकता नहीं। बाइक रा एक्सपेरिमेंटल वर्जन पई बेसिक पायलट लाइसेंस थिले जणे याकु ड्राइव करि परिबो ओ यहार गति 250 माइल प्रति घंटा रहिबो। तेबे ए ड्रीम बाइक चलाइबार इच्छा थिबा लोकमानकर इच्छा बहु शीघ्र पूर्ण हेबाकु जाउची कारण यहाँ बाजार को आसीबा नै समस्त प्रस्तुति चालिछ बोली कंपनी तरफ रु प्रकाश पाइछ। ब्यूरो रिपोर्ट अगस्त। आजिर सारा दुनिया को एठी रखिबा देश विदेशर किछि बछा बछा खबर को नै मु पुणी आसीबी आसंता सप्ताह रे एई समय रे। नमस्कार।